हाय गाइस, मेरा नाम है डेनिस एंड आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव पपराजी। सो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा द ओल्ड वर्सेस द न्यू मारुति सुजुकी डिज़ायर के बारे में। जी हाँ, कल ही लॉन्च हो चुकी है द 2020 BS6 मारुति डिज़ायर। जी हाँ, कल ही मारुति ने लॉन्च करी है इन विद ओनली पेट्रोल इंजन। अब इसका डीजल इंजन हो चुका है डिसकंटिन्यू एंड मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाई है, कल ही डाली थी मैंने वो वीडियो। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो आप यहाँ पर आई कार्ड पे क्लिक कर सकते हैं, अगर आपने वो वीडियो भी चेकआउट करनी है। मगर उससे पहले आप ये वीडियो ज़रूर देखना अगर आप नई डिज़ायर लेने का प्लान कर रहे हैं। सो इससे पहले इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ, मेक श्योर टू द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो द बेल आइकॉन, ताकि आप मेरे हर नए लेटेस्ट वीडियोज़ पर नोटिफिकेशन पा सकें। सो गाइस, स्टार्टिंग विद द फ्रंट प्रोफाइल, अभी मैं आपको पुरानी और नई दोनों गाड़ियों की एक फ्रंट प्रोफाइल कंपैरिजन दिखा देता हूँ। आपकी स्क्रीन के सामने दोनों गाड़ियों की इमेज साथ ही में आ रही होगी। सो ये जो फेसलिफ्ट मॉडल आया था फॉर द थर्ड जेनरेशन ऑफ डिज़ायर, ये आया था 2017 में, और अब 3 साल बाद इसको थोड़ा मिड साइकिल अपडेट दिया है। मैं इसको फेसलिफ्ट नहीं बोलूँगा, इसको मिड साइकिल अपडेट बोलूँगा। सो अभी अगर मैं फ्रंट आपको दिखाऊं तो आप देख पा रहे होंगे फ्रंट में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिवाय बम्पर एंड ऑल के आपको बड़ी ग्रिल देखने को मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड वन। हेडलाइट भी आपको सेम ही देखने को मिलती है, नथिंग इज़ डिफरेंट। पहले वाली का जो फेस था वो थोड़ा स्माइलिंग फेस था, अब इसकी थोड़ी बहुत एग्रेसिव सी लुक दिखती है और सोलन सी लुक दिखती है इसकी, मतलब कि सुजादी हो जैसे फ्रंट इसकी। साइड में आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता नहीं है, अलॉय व्हील्स भी इसमें सेम ही देखने को मिलते हैं, प्रोफाइल भी साइड की सेम रहती है। लाइक द ओल्ड डिज़ायर, इसमें आपको कलर्स मिलते हैं ऑक्सफोर्ड ब्लू, गैलेंट रेड, शर्वुड ब्राउन, मैग्मा ग्रे, सिल्की सिल्वर एंड आर्कटिक पर्ल वाइट। डिज़ाइन और फीचर के बारे में बात करें, अभी मैंने आपको डिज़ाइन के बारे में इसका बता दिया सब कुछ। सो इसमें आपको इंटीरियर में भी सबटल से ही अपडेट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि अगर हम बात करें 7 इंच की आपको स्मार्ट प्ले स्टूडियो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, और 4.2 इंच का कलर TFT ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले मिल जाता है। इसमें मेनली जो चीज़ चेंज करी है वो है इसका स्मार्ट प्ले स्टूडियो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो अब हर मारुति सुजुकी कार में आ रहा है। एंड इसमें आपको ऑटोमेटिक मॉडल्स में ESC भी देखने को मिल जाता है एंड हिल होल्ड कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है। और चीज़ों के बारे में बात करें, मैं आपको इंटीरियर की इमेज आपको दिख ही रही होगी, तो इंटीरियर में आप देख ही पा रहे होंगे अपने सामने कि इसका जो वुडन ट्रिम था डैशबोर्ड्स पे वो थोड़ा लाइटिश, मतलब कि ओरिजिनल से फिनिश में दे दिया है। एंड अब आपको स्टेयरिंग व्हील पर क्रूज कंट्रोल के भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाकी अगर हम बात करें डायमेंशंस की, डायमेंशंस में कुछ चेंज आया नहीं है। अगर हम स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें, मतलब कि इंजन के बारे में, पुरानी वाली जो डिज़ायर थी उसमें आपको मिलता था BS4 का D13 ने 1.3 लीटर DDIS डीजल इंजन, जो बहुत पहले से चलता आ रहा है इस कार में। अब मुझे लगता है मुश्किल ही होगा क्योंकि अभी एंड डेट्स चल रहे हैं मार्च के, अगर आपने डीजल में डिज़ायर खरीदनी हो वो अब आपको मिलनी तो बहुत ही मुश्किल है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें 1.2 लीटर का ही डुअल जेट डुअल VVT पेट्रोल इंजन स्टैंडर्ड ही मिलेगा आपको, और इसमें आपको दिया है फ्यूल सिपिंग आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम विच इज़ स्टैंडर्ड, और इसकी जो पावर है वो भी बढ़ा दी गई है। नाउ इट प्रोड्यूसेस 66 kW, मतलब कि 90 PS एट 6000 RPM एंड 113 Nm ऑफ टॉर्क एट 4400 RPM। इसमें आपको दो ऑप्शंस देखने मिल जाते हैं इन ट्रांसमिशन, 5-speed मैनुअल एंड 5-speed ऑटोमेटिक। एंड अगर हम फ्यूल इकोनॉमी के बारे में बात करें, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, इसकी जो मैनुअल में फ्यूल इकोनॉमी होगी वो है 23.26 km/L, वेयर एज अगर आप ऑटोमेटिक वेरियंट लेते हैं उसमें आपको फ्यूल इकोनॉमी एज पर ARAI मिलती है 24.12 km/L। सो आई डोंट नो वाई ऑटोमेटिक में हमें इतनी ज़्यादा क्यों मिल रही है, मतलब कि 1 km/L की ज़्यादा एवरेज देखने को मिल रही है। आई डोंट नो वाई इट इज़ लाइक दिस। सो अगर हम प्राइजेस के बारे में बात करें एज़ कम्पेयर टू दी ओल्ड मारुति डिज़ायर, LXi आपको पहले मिलता था 5
82,000 का, वेयर एज अब बेस मॉडल जो है वो स्टार्ट होता है 589 से। VXI पहले था 673 का, जो अब है 679 का। ZXI मैनुअल पहली थी, ZXI मैनुअल पहले थी 732,000 की, वेयर एज अब आपको मिलती है 748 की। ZXI प्लस मैनुअल थी पहले 821 की, जो अब आपको मिलती है 828 की। VXI ऑटोमेटिक थी पहले 720 की, जो अब मिलती है आपको 731 की। ZXI ऑटोमेटिक आपको पहले मिलती थी 779 की, वेयर एज अब मिलती है 8 लैक्स की। ZXI प्लस ऑटोमेटिक आपको पहले मिलती थी 868 की, अब मिलती है 880 की। बाकी डीजल वेरिएंट्स तो डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, इसलिए उसका कोई प्राइस कंपैरिजन नहीं है। सो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाना ताकि आप मेरे हर नए लेटेस्ट वीडियोज़ पर नोटिफिकेशन पा सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।